दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका MGV स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी जो सीरीज है ये सीरीज नंबर 17 है। बात करेंगे हम GK के MCQ टाइप के टोटल 20 क्वेश्चन के बारे में। और ये जो सामान्य ज्ञान के टोटल 20 क्वेश्चन है ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें और लाइक ज़रूर करें। और चलते हैं, बात कर लेते हैं हम इन टोटल 20 क्वेश्चन की। टोटल 20 क्वेश्चन में से आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में किस देश ने 350 किलोमीटर प्रति घंटे की ड्राइवर लेस ट्रेन की शुरुआत की है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्राइवर लेस ट्रेन जो प्रति घंटे 350 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली है, और ये ट्रेन की शुरुआत चाइना ने की है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, टोटल करंट अफेयर के क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और लाइक ज़रूर करना। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? प्रवासी भारतीय दिवस की थीम, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये प्रवासी भारतीय दिवस से नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। और प्रतिवर्ष ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे और इसी के उपलक्ष में 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन सा देश परमाणु ऊर्जा प्लांट संचालित करने वाला पहला देश बन गया है? हम बात कर रहे हैं विश्व स्तर की, और विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा प्लांट का संचालन करने वाला विश्व का पहला देश ये है UAE, जो सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा का प्लांट संचालित करने वाला देश बन गया है। और चलते हैं, हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम, तो राष्ट्रीय बालिका उज्जवल कल के निर्माण के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण करना, और आगे हम बात करेंगे इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ये लड़कियों में जागरूकता फैलाना, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी अधिकार तथा भेदभाव से संरक्षण देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन फाइव में हम बात कर रहे हैं दिल्ली ने किसके साथ मिलकर के कैब में यात्रा करने वालों की सुरक्षा के लिए हिम्मत ऐप लॉन्च किया है? तो अब हम बात कर रहे हैं हिम्मत ऐप की, और यह हिम्मत जो ऐप लॉन्च किया है ये दिल्ली ने कैब के यात्रा करने वालों, तो ये उबर के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। उबर के साथ मिलकर के दिल्ली ने कैब के यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए हिम्मत ऐप लॉन्च किया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन सिक्स में हाल ही में देश के किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं शिशु मृत्यु दर की जो वृद्धि हुई है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर की वृद्धि हुई है।
और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़े प्रशासनिक सुधार के लिए किस मंत्रालय का पुनर्गठन करने का फैसला किया गया है? तो मंत्रालय का फैसला किया गया है यह है विदेश मंत्रालय, जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रशासनिक सुधार के लिए विदेश मंत्रालय का पुनर्गठन करने का विचार विमर्श किया गया है। और चलते हैं, बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो हम बात कर रहे हैं विश्व कैंसर दिवस की थीम, तो इसमें मैं हूँ मैं रहूँगा, ये विश्व कैंसर दिवस की थीम थी और इसकी इंग्लिश में आई एम एंड आई विल। और विश्व जो कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी मुख्य जो थीम है मैं हूँ मैं रहूँगा, आई एम एंड आई विल। चलते हैं, बात कर रहे अगले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सभी करंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, ये इसकी मुख्य थीम थी और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। 28 फरवरी प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार द्वारा एसटी को 100% कोटा देना चर्चा का विषय रहा है? तो एसटी को 100% कोटा देना ये आंध्र प्रदेश राज्य चर्चा में रहा है। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में नासा के मिशन पार्कर सोलर प्रोब जैसा भारत का सूर्य मिशन कौन सा है? तो ये नासा का जो सूर्य मिशन पार्कर सोलर है, तो भारत का सूर्य मिशन आदित्य एल फर्स्ट मिशन भारत का सूर्य मिशन है, जो नासा के सूर्य मिशन पार्कर सोलर प्रोब जैसा है, ये दोनों एक जैसे है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हाल ही में किस ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक सुनील कुमार ने अपने नाम किया है, यह जीत हासिल अपने नाम दर्ज करवाई है, सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बर्लिन के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था या किया था? तो ये है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव जो बर्लिन में हुआ था और भारतीय पवेलियन का इन्होंने उद्घाटन अपने हाथों से किया था। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है 15। बात कर रहे हैं क्वेश्चन 15 की, भारत ने किस देश में 9 कृषि स्कूलों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करेगा? तो भारत श्रीलंका के 9 कृषि स्कूलों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने का विचार कर रहा है। और चलते हैं, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में श्री राम से जुड़े स्थलों पर शेयर करवाने के लिए IRCTC कब से श्री रामायण एक्सप्रेस नामक विशेष ट्रेन चलाएगी? और ये चलाएगी 28 मार्च 2020 से रामायण एक्सप्रेस चलेगी और ये चलेगी दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से चलेगी और ये 16 रात और 17 दिन पूरे रामायण सर्किट का भ्रमण करवाएगी। भगवान श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए उत्सुक
श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का ये विशेष उपहार है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 17 में किस राज्य ने पहला हाइपर लूप परियोजना को शुरू किया है? तो पहला हाइपर लूप परियोजना महाराष्ट्र ने शुरू की है, पहला हाइपर लूप परियोजना महाराष्ट्र ने। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस शहर ने पहला पुलिस 3D ट्रैफिक सिग्नल को लॉन्च किया है? तो पहला 3D पुलिस ट्रैफिक सिग्नल जो मोहाली चंडीगढ़ ने इसको लॉन्च किया है, पहला 3D ट्रैफिक सिग्नल। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में खोला जाएगा? बात कर रहे हैं भारत के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की, और ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा, जो पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय के नाम से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस वीडियो का, तो लाइक ज़रूर करें और सभी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किस शहर को मेट्रो कचरे से निर्मित ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला मेट्रो बना है? कि कौन से शहर का मेट्रो कचरे से निर्मित ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? ये है दिल्ली का मेट्रो, जो कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करके इस्तेमाल करने वाला पहला मेट्रो स्टेशन बन गया है। तो दोस्तों धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहे, बने रहे वीडियो के साथ। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए।